रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम वर्ल्ड इंग्लिशज़ अमेरिकन जम्स इन द ग्रोथ एंड इंपैक्ट ऑफ अ सुपर पावर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ टाइम को वेस्ट के बगैर द ब्रिटिश एम्पायर स्प्रेड एंड इस्टबलिश इंग्लिश एज अ ग्लोबल देखो पिछली वीडियो में हमने ब्रिटिश एम्पायर की बात की थी किस तरह जो है उन्होंने अपनी जो कॉलोनीज़ हैं वो बिल्ड करना स्टार्ट की थी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में ठीक है बट इन द ट्वेंटी सेंचुरी दिस रोल वज सिक्योर्ड एंड एक्सपेंडेड बाई दिस राइज ऑफ ब्रिट्र्सफॉमर कॉलोनी द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू द स्टेटस ऑफ अ ग्लोबल सुपर पावर द ओनली वन लेफ्ट इनफेक्ट बाई द एंड ऑफ सेंचुरी कहते हैं कि इस तरह जब इनकी जो पावर है जब ब्रिटिशर्स की जब पावर खत्म हुई वर्ल्ड वार टू में ऑबली जब ये हार गए थे तो इनकी पावर भी इसके साथ ख़त्म होगी इसी तरह फिर जो है नाइनटीन सेंचुरी या आप कह सकते कि जो ट्वेंटी सेंचुरी है ये फिर किसका दौर आया था यूनाइटेड स्टेट का और इन्होंने जो है डिफरेंट जगहों पर जो है अपनी ऑक्योपेशन दिखाई थी मतलब ओक्योपेशन से हमारा जहाँ पे ये कब्ज़ा करने लगे थे अपनी कॉलोनीज़ बनाने लगे थे जिसमें जमेकियन है जमेकिया जो है एक वक्त में कॉलोनी थी किसकी सॉरी जेमेकिया नहीं ये फिलीपींस ये एक वक्त में कॉलोनी थी अमेरिकन की द यू एस ए कॉन्सिडरेटेड हर इंडिपेंडेंस इन द ब्रिटिश अमेरिकन वॉर ऑफ एटीन ट्वेल्व अब यू के ख़ुद तर्टीन कॉलोनीज़ वो एक वक्त में किसके अंडर आते थे ब्रिटिशर्स के अंडर आपने अगर वो डॉक्यूमेंट्री पढ़ी है या जो डॉक्यूमेंट है वो जिफ, पढ़ी है जब थॉमस जेफरसन की द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस उस पर ऑलरेडी मेरी वीडियो भी बनी है वो भी आप देख सकते हैं उसमें यही चीज़ है कि तर्टीन कॉलोनीज़ जो है वो एक वक्त में किसके अंडर थे ब्रिटिशर्स के अंडर थे सो उन तर्टीन कॉलोनीज़ को सेवनटीन के सेवेंटी में जो है उनको आज़ादी मिल गई थी और इस तरह जो है जो थर्टीन कॉलोनीस थे वो आज़ाद हो गए थे किससे ब्रिटिशर से हर ट्रेड थी थ्रू वेस्ट वर्ल्ड एक्सपेंशन एंड द इंडियन वॉर्स एंड स्ट्रेंथ हर यूनिटी इन द सिविल वॉर इन एटीन सिक्सटी वन एट आफ्टर दसेशन ऑफ द साउथ एज द कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो फिर इसमें कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसको आप लोग समझ लीजिएगा कॉन्फेडरेट स्टेट ऑफ अमेरिका उस चीज़ को रेफ़र करती है जो मीनस टू अ गवर्नमेंट एंड टेरेटरी ये एक ऐसे गवर्नमेंट या टेरेटरी को रेफर करती है, है जहाँ पे अमेरिकन एग्जिस्ट करते थे ठीक है मीन एटीन सिक्सटी वन से लेके एटीन सिक्सटी फाइव तक इट वॉज फॉर्म बाई सिल सोथरन स्टेट्स दैट दैटेड और विदड्रॉ फ्राम द यूनियन इन रिस्पॉन्स टू ग्रोविंग सेक्शनल टेंशन डिस्प्यूट स्लेवरी स्टेट तो इसमें डिफरेंट इशूज भी डिस्कस हुए थे जिसमें लाइक स्लेवरी के इशूज थे स्टेट्स के राइट्स थे मतलब जो वुमेन राइट्स थे उससे रिलेटेड थे एंड बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द इंडिविजुअल स्टेट्स और इस तरह जो गवर्नमेंट बनी थी फेडरल गवर्नमेंट और इंडिविजुअल स्टेट इनके दरमियान जो है बैलेंस पावर होनी चाहिए बाई द एंड ऑफ देंचुरी हाउवेयर द नेशन वॉज स्टेबल इनफ टू रन हर अटेंशन आउटवर्ड विद द स्पेनिश अमेरिकन वॉर ऑफ फिर इनके दरमियान एक वॉर हुई थी ठीक है एटीन नाइन्टी एट में द यू एस इंटर दर्ल्ड सीन एज द आउटकम ऑफ दैट वॉर अमेरिकन अथॉरिटी ओवर पेरेट्रियो uh, रेको ये वर्ड भी समझना बहुत जरूरी है देखो पेरेट्रियो रेको ये एक अनकॉर्पोरेटेड टेरिटरी है ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ठीक है ये यूनाइटेड स्टेट की एक अनकॉर्पोरेटेड अन इनकॉरपोरेट टेरेट्री है एक एरिया है लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न सी और ये कहाँ वाक्य है नॉर्थ ईस्टर्न सी में द नेम पेरेटरी रेको ट्रांसलेट टू रिच पोर्ट इन स्पेनिश और ये स्पेनिश में इसको जो है लाइक like, uh, मतलब ये स्पेनिश वर्ड है तो इसको इंग्लिश में अगर देखे तो इसका मतलब है रिच पोर्ट ठीक है दिस आइलैंड वाज ओरिजिनली नेम्ड बाय सेंट जॉन बथस्टा बाय क्रिस्टोफर कोलंबस व्हेन ही डिस्कवर्ड इट इन 1493 मतलब ये 1493 में डिस्कवर किया गया था ये जो पोर्ट था ठीक है तो इस चीज़ को आप लोगों ने लाइक uh, like और से देखना है ये जो प्योरेट्रियो रेको मतलब ये जो है स्पेनिश वर्ड है और ये इनके बीच में मतलब इनकी जो वॉर हुई थी वो भी इसी चीज़ पे हुई थी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन द प्रेजेंट कंटेक्स द फिलीपींस मैंने बात की थी कि फिलीपींस ये एक वक्त में किसकी कॉलोनी थी अमेरिकन की तो इस तरह इनको भी आज़ादी मिल गई थी फिलीपींस इन टू अ मॉडल कॉलोनी ठीक है अमेरिका एक्टेड विद स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन सेंडिंग लार्ज नंबर ऑफ़ टीचर्स अब यहाँ पे ओबियसली वर्ल्ड इंग्लिश की बात हो रही तो जब ये कह रहे थे कि जब वहाँ पे जब इन्होंने कॉलोनी बनाना स्टार्ट की तो अमेरिकन ने क्या किया एक बड़ी तादाद में टीचर्स को भेजा था कि वो वहाँ पर जो है इंग्लिश लैंग्वेज को पेला दें देखो यहाँ पर लिखा है कि थ्रू आउट स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन द फिलिपींस इज़ अनप्रेसिडेंटेड अनप्रेसिडेंट मीन्स बेमिसाल उन्होंने जो है अमेरिकन लैंग्वेज जो इंग्लिश है उसको पिला दिया था ये जो है एक आ, मिसाल इन्होंने कायम की थी उस वक्त The United States entered both war, world wars of the यूनाइट century after some years of conflict and decided them victoriously यर्स by the end of the century after decades of cold war. अब यहाँ पर इन्होंने uh, cold war की बात की गई देख cold war किसे कहते हैं cold war का मतलब ये है जब ब्रिटिशर्स और उसके दरमियान जो हुई थी मतलब ये एक ट्रेड वार हम कह सकते हैं ठीक है थीके? ब्रिटिशर और ये सॉरी अमेरिकन और ये रशिया के दरमियान हुई थी ठीक है और ये वर्ल्ड वार टू के बाद ही स्टार्ट हुई थी फिर इस तरह कोल्ड वार में किस को शिकस्त हुई रशिया को जब कोल्ड वार में रशिया को शिकस्त हुई तो पावर किसके पास आ गई आ, अमेरिका के पास और इस तरह फिर इन्होंने अपनी लैंग्वेज जो है वो ग्लोबल लैंग्वेज बना दी मतलब पूरी दुनिया में इसको जो है फैला दिया था एक तो ब्रिटिशर्स ने फैलाया इंग्लिश को मतलब उन्होंने बहुत स्प्रेड किया इस लैंग्वेज को फिर इस तरह क्यों क्योंकि उन्होंने डिफरेंट कॉलोनीज़ बनाई थी इसी तरह फिर अमेरिकन ने जो है ये सिस्टम स्टार्ट किया था मीन वेस्टर्नाइजेशन एंड अमेरिकन नेशन इन पर्टिकुलर अमेरिकन बेस्ड ट्रांसेशनल कंपनीज़ हैव बीन लीडिंग इन दिस प्रोसेस अब यहाँ पे जो आ, जो कंपनीज़ हैं जो चीज़ें हैं उसकी बात है ये आप लोग देख लीजिएगा लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ अगर मैं इसको पढ़ना स्टार्ट करूँ तो बहुत टाइम लगेगा ठीक है ये एक नोट्स की फॉर्म में आप लोग इसको बेशक नोट्स की तरह लिख ले या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप पेशा इसको नोट कर सकते हैं यहाँ पे इस पैराग्राफ में ये बताया गया कि देखो अमेरिका ने क्या किया जब अमेरिका ने फिर अपनी डिफरेंट कंपनी स्टार्ट की कंपनी से मरा जिसमें ये फूड वग़ैरह है जिसमें आप देख सकते ये हॉलीवुड है हॉलीवुड मूवीज़ आप देखते होंगे इसमें कौन सी लैंग्वेज है ओबियसली इंग्लिश लैंग्वेज है और इसी तरह अपने कल्चर को इन्होंने फैलाया कल्चर से जो आप पेंट शर्ट पहनते हैं ये किसका कल्चर है इन्हीं का कल्चर है ठीक है आपका कल्चर डिफरेंट है आप किसकी लैंग्वेज बोल रहे हैं आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं ये किसका किसकी लैंग्वेज है अमेरिकन और ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज लेकिन यहाँ पर हम अमेरिकन की बात करें सो तो अब ये अमेरिकन की लैंग्वेज है ठीक है तो यह है इस पूरे चीज़ में ये इस पूरे पैराग्राफ में यही चीज़ें बताई गई हैं कि इस तरह जो है इन्होंने अपनी जो पावर थी या जो टी वी सीरियल्स थे इस तरह इनको फैला दिया था ताकि लोग जो है इंग्लिश पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें एट दिस सीरियस इम्प्रेक्शन फॉर द ग्लोबल रोल इन स्प्रेड ऑफ इंग्लिश फॉर मैनी डेवलपिंग नेशन दू एस ए इज़ अ डिज़ायरेबल बिज़नेस पार्टनर अब यहाँ पर मतलब ये चीज़ें मैंशन की गई है कि बहुत से लोगों के लिए ये जो है एक डिज़ायरेबल बिज़नेस पार्टनर है यू एस ए और ऑबियसली यू एस ए के पास बहुत पावर है और वो जो है बहुत से ममालिक को अभी भी उसको कंट्रोल कर रहा है जो वीक जो अंडर डिवलप कंट्रीज हैं ठीक है फॉर सर बहुत मैनीशन एंड आलमोस्ट एवरीवेयर इन मेनी कंट्रीज नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज़ पर गेट वे टू बेटर लाइफ इंटरेस्टिंगली इनफ दिस प्रोसेस आल्सो हैव इमीडिएट कंसिक्वेंस फॉर द फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश टू बी हर्ड अराउंड द ग्लोब अब यहाँ पे इन्होंने चैनल्स के नाम भेजेंगे जिसमें सी एन एन है बी बी सी तो खैर ब्रिटिश है लेकिन सी ये किसका है अमेरिका का है ठीक है डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज़ आप देखते होंगे ये अमेरिका की तरफ से होते हैं और इसी तरह एज पॉम ब्रिटिश कॉलोनीज़ इन पर्टिकुलरली ऑल पोस्ट कलोनियल इंग्लिश एक्सेप्ट फॉर फ़िलिपींस एंड फ़िलिपीस ओबियसली ये किसकी कॉलोनी थी अमेरिका की थी तो ये चीज़ में आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना फ़िलपींस जो है लोगों ज़्यादातर कहते हैं कि ये आ, ब्रिटिशर की कॉलोनी थी लेकिन ये हकीकत में किसकी कॉलोनी थी अमेरिका की कॉलोनी थी तो वहाँ पे भी इन्होंने इंग्लिश को फैलाया था इसी तरह ब्रिटिश इंग्लिश और इस तरह फिर अमेरिकन इंग्लिश ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश ये सारी चीज़ें जो है इसमें आ जाती हैं इंक्रीजिंगली हाउ इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट इन मैनी कंट्रीज सच एज ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड साउथ अफ्रफिका सिंगापुर एंड एल्जवेर सिग्नीफिकेन्सिज़ ऑफ देशन ऑफ लिंगेज़े कैन भी हर्ड अच्छा इंटरेस्टिंगली ये चीज़ भी आप लोगों ने लाइक like, मैंशन करनी है कि जिस तरह कैनाडा ये एक वक्त में इनके भी कन्फ्लिक्ट चल रहे थे किसके साथ आ, अमेरिका के साथ और इस तरह कनाडा को भी आज़ादी मिल गई थी फ्रीडम मिल गई थी अमेरिका से लेकिन इनके हालात अब बिल्कुल बेहतर है इसी तरह न्यूजीलैंड के साथ इनके हालात अच्छे नहीं थे ऑस्ट्रेलिया के साथ साउथ अफ्रीका सिंगापुर एंड एल्सवेयर लेकिन आ, ये कहते हैं कि इनकी जो है ओबियसली इनकी भी लैंग्वेज जो है इंग्लिश है इनकी भी लैंग्वेज है इंग्लिश है साउथ अफ्रीका में भी इंग्लिश पोजे थे बोले सिंगापुर में तो ये सारी जो कहते हैं फिर इनकी जो प्रोनंसिएशन है वो बेशक डिफरेंट होगी लेकिन इंग्लिश जो है पहल गई किस वजह से क्योंकि अमेरिका जो है एक सुपर पावर है तो इसलिए इंग्लिश जो है ज़्यादा पहल गई पूरी पूरी दुनिया में जो है पहल चुकी है देयर इज़ लिटल सॉलिड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ दिस अवेलेबल बट ऑल द इंसिडेंटल एविडेंस टेकन टुगेदर स्ट्रॉन्ग एंड यूजली एटीट्यूड्स टू दिस डेवलपमेंट आर क्रिटिकल नो बट इट सीम्स एंड वॉन्ट्स टू बी डोमिनेटेड बाई द अमेरिकन बट ऑबियसली अमेरिकन इंग्लिश इज़ कहते हैं कि कोई भी ये नहीं चाहता कि यार हमें कोई अमेरिका जो है मतलब हमें सप्रेस रखे लेकिन सब जो है वो जो है जो अमेरिकन इंग्लिश है उसको फॉलो करते हैं और ये जो है एक प्रेस्टिजियस कहते हैं ये एक प्रस्टिजियस लैंग्वेज आप कह सकते हैं ठीक है क्योंकि क्यों, ओबियसली जब जिधर भी आप जाएंगे ये तो इवन आई हैव एक्सपीरियंस दीज थिंग्स के जो लोग मतलब इंग्लिश में बात करते हैं उसको बड़ी इज्जत देते हैं इस्पेशली ये एशियन ममालिक में हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक लैंग्वेज है बस आपने सीख ली एट्स गुड आपने नहीं सीखी डजन मैटर लेकिन आपको सीखनी पड़ेगी वो अगेन वही बात आती है ना कि आपको सीखनी पड़ेगी क्यों क्योंकि जिन दुनिया में जितने भी वर्क्स होते हैं जितने भी आप टूल्स यूज़ करते हैं इंटरनेट के वो सारी किस लैंग्वेज में थे? इंग्लिश में होती है तो so, दोस्तों अभी यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इंटरनेशलाइजेशन एंड लोकलाइजेशन पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट्स इन वर्ल्ड इंग्लिश आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी बाकी ये पिछली वीडियो भी आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिए क्योंकि ये सारे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है जब आपको उस वीडियो की समझ आएगी तो ये अगली वीडियो को आपको ऑटोमेटिकली समझ आने लगेगी ठीक है तो सारी वीडियोज़ का लिंक मैं कोशिश करूँ कि डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अगर नहीं मिलता तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं जो भी वीडियो का लिंक आपको चाहिए आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक कि अल्लाह फेस टेक फिर से